हिमाचल के बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी विधानसभा के तहत ग्राम पंचायत बहल के लखाला के रहने वाले लोगों में मैक्स इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के खिलाफ भारी रोष है। लोगों का कहना है कि मैक्स इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के भारी भरकम व्हीकल ने बहल वाया लखाला कैंची मोड़ सड़क की हालत खस्ता कर दी है। गुरु शरणम नर्सरी, घर में लगाने हो फूल पौधे या गार्डन घास, आइए गुरु शरणम नर्सरी के पास। अम्बथियार ज्वालाजी नादौन रोड नजदीक नया बाईपास। गुरु शरणम नर्सरी में उपलब्ध हैं हर प्रकार के सजावटी पौधे, फूलों के पौधे, जंगली पौधे और औषधीय पौधे। यहाँ तैयार किए जाते हैं गार्डन, घास लगाना, डिजाइन बनाना इत्यादि का भी होता है काम। गार्डन की देखरेख के लिए भी करें संपर्क। गुरु शरणम नर्सरी में खुद विजिट करें या करें कॉल। हमारा नंबर है 9105800999। स्थानीय लोगों ने बताया कि साल 2008 में नाबार्ड के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ रुपए से बहल लखाला कैंची मोड़ सड़क को पक्का किया गया था। ये सड़क क्षेत्र के ग्रामीण लोगों की जीवन रेखा है। ग्रामीण लोग इस सड़क का उपयोग अपने रोजमर्रा के कामों जैसे पाठशाला जाना, ऑफिस के जाने के लिए उपयोग करते हैं। कंपनी द्वारा रेलवे टनल 8 निर्माण व डंपिंग साइट के लिए सड़क का इस्तेमाल किए जाने के उपरांत सड़क को खड्ड में तब्दील कर दिया गया। सड़क को सुधारने के लिए लोग बार बार पीडब्ल्यूडी विभाग व मैक्स इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन कोई भी अपनी जवाबदेही नहीं समझता है। ग्रामीणों ने कंपनी को चेतावनी दी है कि अगर सड़क को एक हफ्ते के अंदर दुरुस्त नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रुख अपनाएंगे। लखाला गांव निवासी क्या बोले सुनिए। मैं केवल राम गांव लखाला से आईपीएच डिपार्टमेंट से रिटायर हूं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारे रोड का बहुत खस्ता हाल है। जो रेलवे का जिस दिन से काम लगा उस दिन से हमारे रोड का बहुत बुरा हाल है जी। ना कोई गाड़ियां आ सकती हैं, ना कोई कुछ भी, कोई छोटा व्हीकल नहीं आ सकता। अगर कोई बंदा बीमार भी हो जाता है तो उसको निर्णय के लिए भी बहुत परेशानियां आ रही हैं। सो मैं इन रेलवे वालों का ऐसा है कि इनको इस रोड का सुधार करना चाहिए। वहीं मैक्स इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के अधिकारी सूर्या मुरली से मामले को लेकर दूरभाष के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही हम रोड की रिपेयरिंग का काम शुरू कर देंगे। वहीं दिनेश गुप्ता एसडीओ पीडब्ल्यूडी स्वारघाट ने कहा कि एक दो दिन के भीतर सड़क को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।